आफ्टर लॉन्ग टाइम करीब 30 मिनट्स जर्नी करके फिर आके पहुंचा मंदारमणि का जो क्लासिक बीच है वहाँ पर। ये रहा मेरा रूम, बहुत ही लाजवाब और क्लासिक एंड प्रीमियम टाइप का है। और मिला के कुछ डेढ़ टन का यहाँ पर एसी है, एक फैन है और चार तरफ और जो कुशन है वो 6 इंच का है। समझ रहे हो आप। वॉशरूम, दैट्स द वॉशरूम। यहाँ पर एक गीजर है जो कि अभी मिल जाएगा हमको। शावर ऑलमोस्ट यहाँ पर भी है, अमोट एंड इज अ वेरी ब्रांड। एंड जैसे कि हर तरफ जैसा होता है कुछ चीज है यहाँ पर जो कि यूज करने का लायक है। किट, ये दिस इज अ ब्रश एंड टूथपेस्ट, इज द कमी चिरोनी सोप साबन एंड दैट शैम्पू एंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शॉवर जेल, तो इतना सारा है। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ मैं ये सब यूज नहीं करता, ये तो हम घर पे ले जाएंगे। तो इतना टूर करेंगे कि एक समय हम अपना कंपनी खुलेगा जहाँ पर ये सब हम सेल करेगा। पानी का काठी आ गया, रोदरा पाली और लॉकडाउन का जैसा है यहाँ पर पानी थोड़ा मुँह में गया था। तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है, अभी जो धूप था बहुत तेज था लेकिन पानी में ना उतर के थोड़ा गर्मी कमी महसूस हो रहा है। इतना आवाज़ है यहाँ का पानी का कि शायद ऑडियो आ भी नहीं सकता। वाह, तो सन्नाटा भरा इलाका है अभी तक के लिए मंदारमणि। रिसोर्स के बाहर बीचों के सामने चारों तरफ यहाँ पर पानी और पानी है, लेकिन गर्मी भी कुछ कम नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो बात है, जिस रिसोर्ट पे मैं हूँ वहाँ का आबोहवा जो है बहुत ठंडा है और जो एसी का जो है बहुत चिल करके रखता है रूम को। और फिलहाल अभी मतलब इतना गर्मी जब है तो अभी थोड़ा लंच करेंगे, लंच करके थोड़ा सोएंगे क्योंकि बहुत जर्नी हो गया है। फिलहाल अभी हम खा रहे हैं मतलब कोकोनट वाटर, इस गर्मी में मोस्ट भी इम्पोर्टेंट। तो कोकोनट वाटर, कोकोनट नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया ऐसा लग रहा है अभी इस गर्मी में। सो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं स्विमिंग पूले बहुत ही मजा आ रहा है। क्लासिक बीच इज द मंदारमणि, इतना देर से बहुत नहाया है तो अभी थोड़ा यहाँ से उठ जाने का बेहतर होगा क्योंकि ठंडा गर्मी से थोड़ा शरीर भी खराब हो सकता है। तो जैसे कि रहा क्लासिक बीच रिसोर्ट और उसका छोटा सा एक छोटा है बहुत ही बड़ा एक स्विमिंग पूल। तो अभी नहा धोया हो गया तो अभी सीधा जाएंगे लंच खाने के लिए क्योंकि हम लोग तो
थोड़ा देर कर लिया था इसलिए लंच और नहीं ऑर्डर होगा, तो हमको थोड़ा बाहर ही जाना होगा खाने के लिए। और जो बात है बहुत ही सुंदर और लाजवाब जैसा है। सो दैट टाइम ईटिंग द लंच, मतलब बहुत टाइम हो गया, अभी करीब 5 बज गया, क्योंकि थोड़ा नहाना बाथिंग वाथिंग घूमना फिरना था इसलिए टाइम टू टाइम नहीं हो पाया। लेकिन अभी खाना खाने आए गए, यहाँ पर है चिकन, देयर इज द झींगा फिश एंड फिश आलू भजा एंड ऑलवेज माई फेवरेट दाल मसूर दाल। सो अभी फिलहाल खाते हैं, फिर बाद में हम लोग बात करते हैं, संगे रहें। इवनिंग टाइम, तो बहुत टाइम बीत गया है लंच करने करके हुए। तो अभी जो बात है, मेरा रिसोर्ट है दिस साइड, उस साइड पर मेरा रिसोर्ट है। बहुत ही खतरनाक लाजवाब, केकड़ा इतना भगाया भाई, इतना भगाया कि दम ही निकल गया। शाला कत सुंदर दिखते। One hour later. So almost dinner यहाँ पर ready है। पहले है मिस्टी दही, नहीं थोड़ा खट्टा होगा शायद। यहाँ पर है पनीर पुलाव एंड एक मछली है, मुझे नेम मालूम कि उसका नाम क्या है, और चिकन हंडी। सो अब हम खाएंगे, खा के सो जाएंगे, फिर सुबह हम रुक के फिर जाएं घर पे जाना होगा।